हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कम खर्च में घर पे ही बाजार जैसा दाबेली का मसाला बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 1/4 कप साबुत धनिया ले लेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च लेंगे, 1 चम्मच लौंग, 2 चक्रफूल, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 नंग तेज पत्ते ले लेंगे, 1 चम्मच जितना दागड़ फूल, ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इन सारे मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक सेक लेंगे। अब मसाले का कलर चेंज हो गया है और मसाले में से स्मेल भी आने लगी है, तब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब मसाला ठंडा हो जाए तब हम मसालों को एक मिक्सर जार में ले लेंगे और मसालों को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। अब हम मसाले में 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। आप कोई भी लाल मिर्च ले सकते हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 2 टेबलस्पून कोकोनट डाल देंगे। अब हम फिर से मिक्सर में क्रश कर लेंगे। अब मसाले क्रश हो गए हैं। अब हम दाबेली के मसाले को बाउल में ले लेंगे। अब हम मसाले में 3 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा दाबेली का मसाला तैयार हो गया है। अब हम दाबेली के मसाले को प्लेट में निकाल लेंगे। आप ये दाबेली का मसाला 5 या 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप भी दाबेली का मसाला घर पे कम खर्च में बनाइए। अगर आप मेरी चैनल में नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए और नीचे दी गई हुई बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू।